बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेली लॉजिक्स। इस लेक्चर में हम ऐप का जो आइकन है, लॉन्चर आइकन है, इसको चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ऐप बनाते हैं तो आपको ये फ्लटर का लोगो इसमें मिलता है, लेकिन हम इसको कस्टम करेंगे। यहाँ पे हम जो इमेज यूज़ करेंगे वो हमारे पास ये आइकन है। सो बेसिकली इस आइकन को हम प्लेस करेंगे एज ए लॉन्चर आइकन, और ये हमारे पास एंड्रॉयड ऐप में भी होगा और iOS की ऐप में भी होगा। अब इसको सेट करने के लिए, काम को इजी बनाने के लिए, हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज है, फ्लटर लॉन्चर आइकन्स। सो इसकी पूरी गाइड है, और इसको आप ना सिर्फ एंड्रॉयड iOS के लिए यूज़ करें, बल्कि डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेव डिपेंडेंसीज में जाकर इस लाइन को हम ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, आते हैं pubspec.yaml में और dev dependencies में आते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे अब प्रीवियस लेक्चर में हमने नेटिव स्प्लैश को डिस्कस किया था। अब इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस या सेटिंग्स की ज़रूरत होगी। सो बेसिकली फ्लटर आइकन्स, और यहाँ पे हम लॉन्चर आइकन बताएंगे, iOS के लिए भी इसको ट्रू करेंगे, और इमेज का पाथ बताएंगे। तो यहाँ से मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इंक्लूडिंग दिस फ्लटर आइकन्स कॉपी किया हमने, आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। अब जो इसमें आपने ख्याल रखना है, सो ये जो इमेज का पाथ है ये आपके पास करेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली एसेट्स के अंदर डायरेक्ट जो है वो आइकन है, तो यहाँ पे ये इस फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर कि जितने भी एसेट्स हैं तो इसको आपने यहाँ पे मेंशन किए हों, अदरवाइज ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हमने ये दो कमांड्स अप्लाई करनी है, फ्लटर पब गेट और फ्लटर पब रन। तो यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर लिया। चूँकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह नहीं हैं, तो ये कमांड काफ़ी है हमारे लिए। और सबसे पहले हम पब गेट करेंगे, और पब गेट के बाद हम टर्मिनल में ये कमांड जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो पब गेट कंप्लीट हो गया है, अब हम आते हैं टर्मिनल में, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है हम उस कमांड को पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से आपने एंटर कर देना है। तो सक्सेसफुली जनरेटेड लॉन्चर आइकन्स। अब हम क्या करते हैं, इस ऐप को लॉन्च करते हैं। सो जब आप इस ऐप को लॉन्च करेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, जो अभी हमने सेट किया है ये आइकन हमें नज़र आएगा। तो ऐप रन हो गया है, यहाँ पे हमें स्प्लैश स्क्रीन नज़र आ रहा है, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। सो इसको हम क्लोज करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऐप का जो आइकन है वो चेंज हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारी ये जो सीरीज़ है कंप्लीट हो गई है, सो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस ऐप के साथ अभी आप सोर्स कोड जो है वो गिटहब पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, और प्लस आप इसको इसमें एसेट्स और आइकन्स वगैरह चेंज करके अपने अकाउंट से अपलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।